मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम, सुकून की खातर सब्र बर्दाश्त और इंकसारी के साथ अपनी कौम की खिदमत करते जाएं। कायदे आज़म की इस कॉल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स दिन रात आवाम की हिफाजत पर मामूर हैं। आज कायदे आज़म का 146वां योम पैदाश मनाया जा रहा है, यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स अपने कायद के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आइए जानते हैं। आज कायदे आज़म का 140वां यौमे पैदाइश मनाया जा रहा है, उमर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस हवाले से कायदे आज़म का एक कॉल है वो कहना चाहूँगा, वो ये कि कायदे आज़म ने इरशाद फरमाया था कि हम सब भाई भाई हैं और सब ने मिलकर यहाँ पर मुल्क कौम की खिदमत करनी है। और हम यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही, हम यहाँ पर सेफ सिटी में काम कर रहे हैं और जो भी हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट परफॉर्मेंस और डिफरेंट सर्विस पूरे शहर के कर रहे हैं, तो हम भी बस इस जज्बे के तहत यहाँ पर अपना काम सर अंजाम कर रहे हैं। कायदे आज़म के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? पूंजा जना। जासिब, कायद डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायदे आज़म यूथ से मुलाकात करना और उनसे गुफ्तगू करना हमेशा पसंद करते थे, क्योंकि वो जानते थे यूथ इस कौम का मुस्तकबिल है। इसलिए एज अ यूथ हमें चाहिए कि हम दिल लगाकर तालीम हासिल करें और उन जैसा डिसिप्लिन जैसा वो हमें बताया करते थे वैसा डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी के अंदर ले कर आएँ, ताकि हम अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। कामरान, बताइए कि आज कायदे आज़म डे है, कायदे आज़म का अंग्रेज़ी पसंदीदा शायर कौन था? आई थिंक विलियम शेक्सपियर। आप बताइए कि कायदे आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम किस स्कूल से हासिल की? सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की। आपकी नॉलेज कैसे इतनी अच्छी है? हमारे कायदे हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की है अपने। कायदे आज़म डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? कायद का एक कॉल है जो मुझे हमेशा याद रहता है, जब भी मैं कहीं फेल होने लगती हूँ या कुछ लैक करने लगती हूँ तो मुझे वो हमेशा याद रहता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाकामी मेरे लिए एक नामालूम लफ्ज़ है। ये मुझे एक बूस्ट अप देता है अपनी हर सिचुएशन में, मोटिवेट करता है ऐसे ही। कायद आज़म की बहन और भाइयों के क्या नाम थे? बिल्कुल मुझे याद हैं, रहमत, मरियम, फातमा, अहमद अली और बांदे अली। इतने मुश्किल नाम आपको कैसे याद रहे हैं? ये हिस्ट्री तो हमें भूल जाती है, और आपने कैसे याद रखा हुआ है इसको? जी बिल्कुल, ये बचपन में हमने प्राइमरी स्कूल के अंदर हमें ये पढ़ाए गए थे, तो तब से हमें ये याद है। क्या सुनाएंगे कायदे आज़म डे के? एक बड़ी खूबसूरत सा नगमा है, आप कह सकते हैं मेरे दिल की आवाज़ है जी। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था पर गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नारा तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान।